सीबीआई में मचा घमासान, अब सड़क पर लड़ा जा रहा है। शुक्रवार को राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेर रही है। घूस कांड में शुरू हुई सीबीआई की जंग अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है। सीबीआई के मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का ये मार्च दयाल सिंह कॉलेज से शुरू हुआ और सीबीआई दफ्तर तक चला। राहुल गांधी ने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी दी। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। सीबीआई दफ्तर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने यहां लोगों के बीच चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चौकीदार को चोरी नहीं करने देगी। जो हमने कई बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैंने ये भी बात कही थी कि ये ठीक है और इसलिए अगर हमें डेमोक्रेसी से बचना है तो इस तरह से कड़ी रोक अपनाना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर पर इस पे कड़ी एक बड़ा अच्छा फैसला सुनाएगा। With the issue that Congress is fighting on, and the integrity, independence, credibility of CBI have been thoroughly destroyed, and it is the duty of everybody. कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीबीआई दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए। सीबीआई दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ, वाटर कैनन और बैरिकेटिंग भी की गई है। मिल रही है इस वक्त, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और बैरिकेडिंग तीनों तरफ से बंदोबस्त किया गया है। और उसके आगे अगर मेरे कैमरा पर्सन आलोक आपको तस्वीर दिखा पाए, जो आपको बैरिकेडिंग दिख रही है, कांग्रेस वहां पर